आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा 60 डे स्ट्रैटेजी, और ये वीडियो आप लोगों के पास सुबह 11 बजे आ रहा होगा। और आप सभी लोग अगर इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा आप लोग सीरियस हो और कितना ज़्यादा आप लोग पढ़ना चाहते हो, क्योंकि फाइनल एग्जाम्स आर अप्रोचिंग और 60 डेज में पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना इज इन इटसेल्फ अ बिग टास्क। और आप सब मुझे पता है कंसर्न्ड हो, सीरियस हो तो करके दिखाओगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो एक चीज़ ध्यान रखना कि डेली बेसिस पे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है और काम कंप्लीट कर देना है। कुछ और प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसको जल्दी से सॉर्ट आउट कर देंगे। और एक छोटी सी चीज़ और बोलूँगा, अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए हो तो यार सब्सक्राइब करके चल देना। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 11th में है, क्लास 12th की तो मैं बात ही नहीं करता क्योंकि वो सभी बच्चे चैनल से पढ़ते हैं, बट जो 11th में आते हैं वो 10th के बाद 11th में आते हैं, तो एक ट्रांजिशन फेज होता है, उन्हें चैनल के बारे में नहीं पता होता। तो आपके क्लास में, आपके स्कूल में, आपके फ्रेंड्स में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, तो सबको बताओ कि आओ 60 डेज में अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करो और अच्छे से पढ़ाई करो। तो हमारा काम आपके लिए कंटेंट बनाना है, अच्छी अच्छी वीडियोस देना है, और आपका काम इन वीडियोस को शेयर करना है। तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। आज शुरू करने वाले हैं BRS, लेट्स बिगिन। आज की क्लास एक बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है और सभी बेसिक्स में आपको इसमें पढ़ाने वाला हूं। तो मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक्स में हेडिंग डाल लो, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, शॉर्ट में इसको बोलते हैं BRS। BRS देखो हम लोग क्या करते हैं, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे होते हैं, जितने भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे होते हैं वो बना रहे होते हैं फर्म की। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसकी बना रहे होते हैं? फर्म की। फर्म यानी हमारी दुकान की। तो अब हमारी दुकान में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी, एक बिजनेसमैन जितनी भी ट्रांजैक्शंस करता है वो जनरली कहां से करता है? अपने बैंक से। और इस बैंक में वो एक करंट अकाउंट खोल के रखता है। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो स्पेसिफिकली बिजनेसमैन के लिए खोला जाता है, मतलब वो उसमें जितनी मर्जी ट्रांजैक्शंस करे, कोई लिमिट नहीं है। जो हम लोगों का अकाउंट होता है सेविंग्स अकाउंट, उसके अंदर ट्रांजैक्शंस की लिमिट होती है, लेकिन करंट में ऐसा कुछ नहीं है, जितनी चाहो उतनी ट्रांजैक्शंस करो। अब बैंक में बहुत सारा पैसा आएगा भी और बहुत सारी पेमेंट्स भी होंगी, क्योंकि चेक से पेमेंट होंगी सारी, बैंक से अगर जाएगा तो चेक ही जाएंगे और चेक ही आएंगे। तो चेक का आना जाना, बैंक में सबमिशन होना, क्लियर होना, तो उसमें कुछ टाइम लग जाता है। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब फर्म अपने पास रिकॉर्ड करती है कहाँ पे? कैश बुक में। फर्म अपने पास रिकॉर्ड करती है कहाँ पे? कैश बुक। कौन सा कॉलम? बैंक का कॉलम। कैश बुक में दो कॉलम्स होते हैं, कैश कॉलम एक बैंक कॉलम। कैश कॉलम में सभी कैश वाली ट्रांजेक्शन लिखते हैं और बैंक कॉलम में सभी बैंक वाली ट्रांजेक्शन लिखते हैं। सिमिलरली ये तो आपने बनाया, ये किसने बनाई कैश बुक? फर्म ने बनाई। सिमिलरली हमारे अकाउंट का हिसाब बैंक भी रखता है। जितनी भी ट्रांजेक्शन हमारे अकाउंट में हो रही हैं, उस सभी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग बैंक भी करता है। बैंक वो रिकॉर्डिंग कहां पे करता है? पासबुक में, या फिर इसको हम बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। पासबुक एक ऐसी बुक होती है जो बैंक के द्वारा बनाई जाती है, बैंक बनाता है, जिसमें वो सभी ट्रांजेक्शन लिखता है जो हुई हैं। इसका मतलब अगर मैं 8th ऑफ जनवरी को कोई चेक डिपॉजिट करा रहा हूं, अगर मैं अपने पास एंट्री कर रहा हूं, तो बैंक भी उस चेक के डिपॉजिट होने की एंट्री कर रहा होगा, समझ रहे हो? इसका मतलब मेरे अकाउंट का हिसाब मैं तो रख ही रहा हूं, मेरे साथ साथ मेरे बैंक का मेरे अकाउंट का हिसाब कौन रखता है? बैंक भी रखता है। अब क्या होता है, जब भी मंथ एंडिंग होता है या ईयर एंडिंग होता है, जनरली मंथ एंडिंग में ही क्या होता है, एक बिजनेसमैन मैचिंग करने के लिए ये देखता है कि यार यहां पे जितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं, सपोज यहां पे 10 ट्रांजेक्शन हुई हैं, जिसमें 6 में इनफ्लो हुआ है यानी प्लस पैसा आया है, और 4 में पैसा गया है, हमने कोई पेमेंट करी होगी। तो जब हम हिसाब रख रहे हैं तो बैंक भी तो हिसाब रख रहा होगा, इससे मैच ही कर लेते हैं। अब इससे मैच करा, जब इससे मैच करा तो यहां पे हुई 11 ट्रांजेक्शन, जिसमें पता चला कि यहां पे 7 इनफ्लो हैं
और चार आउटफ्लो है, सात बार पैसा आया है और चार बार पैसा गया है। अब मैं तो परेशान हो जाऊंगा कि यार पैसा कैसे आ गया, मेरे अकाउंट में पैसा एक्स्ट्रा है, मेरे अकाउंट में पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली तो छह बार ही आया था, मैंने सिर्फ छह बार ट्रांजेक्शन करी है, बैंक कह रहा है सात बार ट्रांजेक्शन करी है। तो बाद में पता चला कि बैंक ने हमें एक इंटरेस्ट भी दिया था, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। अब इंटरेस्ट का मैसेज तो नहीं आता, बैंक तो ना कैश में देता, बैंक मेरे अकाउंट में ही डाल देता है। तो ऐसी ट्रांजेक्शन की वजह से कई बार जो मेरा बैलेंस है एज पर पासबुक वो मैच नहीं होता एज पर कैशबुक से। तो कैशबुक और पासबुक का बैलेंस मैच क्यों नहीं होता? कोई इंटरेस्ट मिल गया, बैंक ने कोई हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे दिया, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, या हमने कोई चेक दिया था जो इस मंथ में क्लियर ही नहीं हुआ, वो नेक्स्ट मंथ में क्लियर हुआ, हमने तो माइनस इसी मंथ में कर दिया, जबकि बैंक से वो कब माइनस हुआ? नेक्स्ट मंथ में। तो इस तरीके के डिफरेंसेस आ जाते हैं। इन डिफरेंसेस को रिकनसाइल करने के लिए, इन डिफरेंस को रिकनसाइल मैच करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है, उस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। सबसे पहला पर्पस था आपको इसका मतलब बताना कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है। अब बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का एक प्रोसीजर होता है, कुछ रूल्स होते हैं, जल्दी से उन रूल्स को मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लो। जब हम BRS बनाएंगे तो क्या रूल्स हैं हमारे पास? रूल्स, रूल नंबर वन में आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अब मैं ये नहीं लिखवा रहा कि इट इज प्रिपेयर टू रिकनसाइल द बैलेंसेस, वो आपको पता ही है, ठीक है ना। रूल नंबर वन हम लिखेंगे, अगर हम कैशबुक की बात करते हैं, अगर हम कैशबुक की बात करते हैं तो डेबिट बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस होता है और क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव बैलेंस होता है। ये आपको पता ही है, कैशबुक में डेबिट बैलेंस पॉजिटिव है और क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव है। इसको कई बार फेवरेबल अनफेवरेबल भी बोल देते हैं, तो पॉजिटिव फेवरेबल, नेगेटिव अनफेवरेबल। और अगर हम पासबुक की बात करते हैं, अगर पासबुक की बात करूं तो क्रेडिट नेगेटिव होता है, सॉरी डेबिट नेगेटिव होता है और क्रेडिट पॉजिटिव होता है। इस बात का ध्यान रखना है, डेबिट नेगेटिव होगा और क्रेडिट पॉजिटिव होगा। कैशबुक में डेबिट पॉजिटिव, क्रेडिट नेगेटिव, पासबुक में डेबिट नेगेटिव और क्रेडिट पॉजिटिव, ठीक है ना। जैसे आपके बैंक में पैसा आता है तो आपके पास मैसेज आता होगा योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, तो बैंक तो आपको क्रेडिट करता है, लेकिन आप कहां पे रिकॉर्ड करते हो? अपनी बुक में, डेबिट में। कैशबुक हम बनाते हैं, पासबुक बैंक बनाता है, ओके। इसके बाद नंबर टू, इन एवरी सिचुएशन प्रेफर पासबुक फर्स्ट। हर सिचुएशन में पासबुक को ही प्रेफर करना है। पासबुक को प्रेफर करने से क्या मतलब है कि सपोज मेरे कैशबुक में, मेरे अकाउंट में 11,000 रुपीज दिखा रहा है और पासबुक में 12,000 दिखा रहा है, तो मैं क्या करूंगा? इस 11 को 12 बनाऊंगा। मैं हमेशा किसको प्रेफर करूंगा? पासबुक को। हमेशा इंपॉर्टेंस किसको देनी है? पासबुक को देनी है। रीजन क्या है? क्योंकि हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ये तो बैंक ने प्रिंट करके दे दिया। चेंजेस आप किसमें कर सकते हो? अपनी कैशबुक में। तो आप हमेशा कैशबुक को किस पे ले जाने की कोशिश करोगे? पासबुक के बैलेंस के पास, ठीक है। अगर यहां 12 है तो इसको भी 12 बनाओ, यहां पे 1 प्लस करके 12 बनाओ, ठीक है। सिमिलरली कैशबुक और पासबुक, अगर यहां पे 12 है और यहां पे 11 है तो ये नहीं कि इसको चेंज करूं, इसको मैं चेंज कर ही नहीं सकता। हमें चेंज किस में करना होगा? कैशबुक में। फिर से तो इसको माइनस करके यहां पे 1 माइनस करके इसको 11 बनाओ। आप जितने भी चेंजेस करोगे वो सभी के सभी इधर कैशबुक में करते हो, पासबुक में नहीं करते हो, ओके। नेक्स्ट नंबर थ्री, इफ क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम बैलेंस एज पर कैशबुक, इट विल बी एंडिंग ऑन बैलेंस एज पर पासबुक। अगर क्वेश्चन कैशबुक से शुरू हुआ तो पासबुक से खत्म होगा, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा समझते हो? कैशबुक से शुरू हुआ तो पासबुक पे खत्म होगा, पासबुक से शुरू हुआ तो कैशबुक पे खत्म होगा, यानी कि ये टोटली इसी हिसाब से सिस्टम चलता है। अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कैशबुक से तो पासबुक पे खत्म होगा, पासबुक से शुरू हो रहा है तो कैशबुक पे खत्म होगा,
ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको हटा के मैं आपको फॉर्मेट लिखवा रहा हूं। ये हो गया। चलो जी, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग लिखने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। देखो बीआरएस के बहुत सारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम है, तो फॉर्मेट तो आप बाद में भी चेंज कर सकते हो कि आपको क्या पढ़ाया गया है, बट कॉन्सेप्ट सिमिलर रहता है सारे केसेस में। नोट नंबर 4 बनेगा फॉर्मेट ऑफ बीआरएस, फॉर्मेट ऑफ बीआरएस। तो फॉर्मेट ऑफ बीआरएस आपका कुछ इस तरीके से होता है। इसके अंदर हमारे पास कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता, ध्यान रखना, इसमें प्लस माइनस बस पर्टिकुलर्स, उसके बाद प्लस और माइनस, यही इसका फॉर्मेट होता है और इसका कोई भी फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, यहां पे लिख देंगे बी आर एस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन या एज एट कौन सी डेट पे आप लोग इसको बना रहे हो। ओके, मेक श्योर टू कीप दिस इन माइंड, दिस इज नॉट एन अकाउंट, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो सिर्फ रिकॉन्साइल करने के लिए बनाया जाता है कैशबुक और पासबुक को। ठीक है, यहां पे शुरू हो रहा है क्वेश्चन। सपोज मैं लिखता हूं बैलेंस एज पर कैशबुक। अब अगर खाली बैलेंस एज पर कैशबुक लिखा आ गया तो वो बैलेंस को मैं पॉजिटिव बैलेंस मानूं या नेगेटिव बैलेंस मानूं? अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसको पॉजिटिव बैलेंस मानना है, प्लस कर देना है। ओके, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो ऑलवेज कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव बैलेंस, ये बात भी लिख लेना। सही हो गया। अब पॉजिटिव बैलेंस को बोलते क्या है हम लोग? डेबिट बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस जो होता है कैशबुक का, मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में लिखवा दिया, याद रखो कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस को ही क्वेश्चन में कई बार क्या लिखा होता है? फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक, तो प्लस में लिखना। अगर ये नहीं हुआ तो आपको क्या गिवन होगा? और क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक। ये नहीं हुआ तो क्रेडिट बैलेंस होगा। क्रेडिट को कहां लिखते हैं? हमेशा नेगेटिव में। तो या तो ये गिवन होगा या ये गिवन होगा, इन दोनों में से एक होगा। पॉजिटिव है डेबिट है तो इधर, अनफेवरेबल है नेगेटिव है तो इधर। ठीक है, इसको हम लोग अनफेवरेबल, अनफेवरेबल या फिर ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। अब कुछ आइटम्स इसमें प्लस होती हैं और कुछ आइटम्स माइनस होती हैं। क्या क्या प्लस होता है ऐड करेंगे हम लोग? नंबर 1, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। नंबर 2, एनी इनफ्लो ऑफ कैश बैंक, कोई भी इनफ्लो हुआ है मेरे बैंक अकाउंट में, मेरे कस्टमर ने पैसा जमा करा दिया, मुझे कहीं से चेक मिल गया, किसी भी तरीके का कोई इनफ्लो हुआ है तो वो प्लस कर देना है। ठीक है, दो चीजें बस याद रखनी है, इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड ये क्या होता है हम अभी डिस्कस करेंगे, और एनी इनफ्लो ऑफ कैश ये भी प्लस करना है। अब दो चीजें माइनस करनी है, क्या क्या माइनस करना है? नंबर 1, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट, 3 शब्द लिखे होते हैं, कलेक्टेड या फिर क्लियर्ड या फिर क्रेडिटेड। डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड क्लियर्ड क्रेडिटेड ऐसा कुछ मिला तो माइनस करना है। और दूसरा, एनी आउटफ्लो ऑफ कैश, कोई भी आउटफ्लो हुआ है, कैसा आउटफ्लो हुआ है? आपने कोई पेमेंट करा था, आपके पास से बैंक ने कोई बैंक चार्जेस ले लिए, या आपने कोई चेक किसी को दिया है, आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, किसी भी तरीके का पेमेंट, ये सब नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस होगा क्योंकि पैसा कम हुआ होगा। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था बैलेंस एज पर कैशबुक से, मैंने आपको क्या लिखवाया? क्वेश्चन स्टार्ट होगा बैलेंस एज पर कैशबुक से, खत्म कहां पे होगा? अब बैलेंस एज पर पासबुक से। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये बैलेंस एज पर पासबुक इधर भी आ सकता है और ये इधर भी आ सकता है, ये तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि मेरा बैलेंस किधर आ रहा है, यहां आ रहा है या फिर यहां आ रहा है। अगर प्लस में आया तो उसको क्या लिख दूंगा? क्रेडिट बैलेंस। नेगेटिव में आया तो उसको क्या लिख दूंगा? डेबिट बैलेंस। इस तरीके से हमारे पास बीआरएस बनाया जाता है। ये एक बेसिक फॉर्मेट है जो आपको पता होना चाहिए, करेक्ट?
अब हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं इसके इंटरनल आइटम्स पे। देखो सबसे पहले है मेरे पास ये द चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। बैलेंस तो आपको पता चल गया कि अगर डेबिट है कैश बुक का तो प्लस है, क्रेडिट है तो माइनस है। अब मैंने आपको बोला कि ये दो चीजें प्लस करनी है। नंबर वन लिखा हुआ है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। व्हाट इज इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड? इसको समझने के लिए एक चीज ध्यान से देख लो। मैं एक कैश बुक का बैलेंस ले लेता हूँ, मैं एक पासबुक का बैलेंस ले लेता हूँ, ये दोनों हमेशा मैच करते हैं। तो मैंने एक एज्यूमिंग फिगर ले ली 10,000 10,000। एज्यूम करने के लिए मैंने एक फिगर ले ली वैसे ही 10,000 10,000। पॉइंट में लिखा हुआ है चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने चेक इशू कर दिए। इशू का मतलब होता है पेमेंट करना, किसी को देना, ठीक है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, वो प्रेजेंट नहीं हुए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये चिंटू है जिसकी फर्म है, ये जिसकी फर्म है, चिंटू ने चिंटी को पेमेंट कर दिया 1,000 रुपीज का। चिंटू ने चिंटी को पेमेंट करा कितना, 1,000 रुपीज का चेक दिया, ठीक है। अब उसने चेक दे दिया, अगर चेक दे दिया तो अपनी कैश बुक में एंट्री पास करी होगी। कोई भी चेक जाता है तो हम बैंक बैलेंस कम कर देते हैं ना, तो उसने यहां से बैंक बैलेंस कम कर दिया होगा 1,000 रुपीज कि मैंने तो पेमेंट दे दिया। कैश बुक में बैलेंस कितना बच गया, 9,000। अगर मेरे अकाउंट में 10,000 था और मैंने 1,000 का चेक दे दिया तो माइनस करूंगा, बैलेंस कम हो जाएगा, कैश बुक में बचा 9,000। बट चिंटी तो निकली आलसी, लेजी, वो चेक लेके ही नहीं गई बैंक में। 10-15 दिन हो गए या 20 दिन हो गए चेक इसने अपने पास रखा हुआ है, एक महीना हो गया अपने पास रखा हुआ है। यानी कि चेक इशू तो हो गया बट इट इज नॉट प्रेजेंटेड, वो बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ। अब जब तक चिंटी ये चेक बैंक में नहीं लेके जाएगी, बैंक को कोई सपना थोड़ी ना आ रहा है, ड्रीम थोड़ी आ रहा है कि मैंने चेक दे दिया उसका पेमेंट करवा दो, नहीं होगा। इसको चेक बैंक में लगाना पड़ेगा। यानी हमने चेक इशू कर दिया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, प्रेजेंट नहीं हुआ तो बैंक से तो माइनस नहीं होगा क्योंकि मेरे बैंक में तो कोई गया ही नहीं पैसा लेने के लिए। अब जब मैं रिकॉन्साइल कर रहा हूँ तो मेरे अकॉर्डिंगली तो बैलेंस आ रहा है 9,000 और बैंक के अकॉर्डिंगली कितना आ रहा है 10,000, क्योंकि कैश बुक तो हम बना रहे हैं, चिंटू बना रहा है, और पासबुक कौन बना रहा है, बैंक। तो हमारे हिसाब से बैलेंस 9,000, बैंक के हिसाब से 10,000। अब देखो गलती तो हमने कर दी ना, यहां पे 1,000 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया जब प्रेजेंट ही नहीं हुआ, ऑल्दो हमने अपनी तरफ से ठीक किया था, बट हमें इन दोनों को रिकॉन्साइल करना है, हमें इन दोनों को मैच करना है। तो मैंने आपको क्या बोला, ऑलवेज प्रेफर पासबुक, प्रेफर करो पासबुक को। तो 9,000 को वापस से 10,000 बनाने के लिए क्या मुझे ये 1,000 दोबारा से ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर? अगर मैं इस 9,000 में ये 1,000 फिर से ऐड कर दूं तो ये 10,000 फिर से दोनों रिकनसाइल मैच हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी? क्या ये दोनों की दोनों बुक्स आपस में मैच हो गई या नहीं हो गई? इसीलिए इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हमेशा प्लस करा जाता है। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड हमेशा क्या करा जाता है, प्लस, क्योंकि वो हमारे बैलेंस को कम करता है जो कि बैंक में नहीं हुआ। तो एक्चुअल में उसको ठीक करने के लिए क्या कर दो, वापस से प्लस कर दो, ओके? दूसरा होता है हमारे पास सेकंड पॉइंट, वो ये होता है एनी इंक्रीज इन कैश या फिर एनी इनफ्लो ऑफ कैश, कोई भी इनफ्लो। लो फिर से एग्जांपल लेते हैं, कैश बुक पासबुक 10,000 10,000। अब इनफ्लो कैसा होता है? इनफ्लो होता है कि बैंक ने हमें 100 रुपीज का इंटरेस्ट दे दिया, बैंक ने हमें 100 रुपीज का इंटरेस्ट दे दिया। बैंक कोई बताता तो है नहीं, इंटरेस्ट दे देता है। बैंक ने अगर हमें इंटरेस्ट दिया तो यहां पे 100 रुपीज चुपचाप प्लस कर दिए बैंक ने, मेरे अकाउंट में ही पैसा दे दिया बस। तो बैंक ने तो प्लस कर दिया क्योंकि बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, तो बैंक ने कर दिया प्लस। मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जब मैं लास्ट में जाके देखूंगा अपनी कैशबुक और पासबुक मैच करूंगा तो बैंक में तो बैलेंस ज्यादा आ रहा है और मेरे पास कम आ रहा है। तो इन दोनों को मैच करने के लिए क्या करना है मुझे, मुझे वापस से इसमें भी 100 प्लस कर देना है, वापस से इसमें भी क्या कर देना है 100 प्लस। तो ये फिर से देखो मैच हो जाएगा, हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि बैंक को फेवर करना है ना हमेशा, ओके? सिमिलरली मेरे किसी कस्टमर ने 400 डायरेक्टली मेरे बैंक में डिपॉजिट करा दिए, 400 डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिए, तो यहाँ पे 400 बढ़ गए होंगे क्योंकि मुझे नहीं पता उसने मेरे बैंक में डिपॉजिट करा दिए, तो पासबुक बढ़ गया। तो यहाँ पे आ रहा है 10,500, मेरे पास अभी भी 100 ही है, तो ठीक करने के लिए यहाँ भी प्लस कर दूं फिर से,
तो यहाँ फिर से प्लस कितना हो जाएगा 400, तो ये फिर मैच कर जाएगा। तो देर आर सर्टेन आइटम्स जो हमारे बैंक बैलेंस को बढ़ा देती हैं, कोई भी इनफ्लो होता है तो उसको हम ठीक करने के लिए वापस से प्लस करेंगे, चाहे वो बैंक के द्वारा दिया गया इंटरेस्ट हो, चाहे वो किसी कस्टमर ने डायरेक्टली पैसा डिपॉजिट कराया हो, इस तरीके की कोई भी आइटम है वो प्लस हो जाएगी। ठीक है, अगला क्या आता है, अब माइनस क्या क्या करना है ये ध्यान रखेंगे। ये जो इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड है और डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन हैं इस चैप्टर में। अब आ रहा है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड कलेक्टेड क्लियर्ड। डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड कलेक्टेड क्लियर्ड का क्या मतलब है, आ जाओ समझते हैं। 10,000 चेक्स डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड का मतलब क्या होता है, जमा करना, हिंदी में लिखता हूं जमा करना। मैंने अपने बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा, चेक डिपॉजिट कर दिया। अब मैंने जैसे ही चेक डिपॉजिट करा होगा, मैंने तो यहाँ पे बैलेंस बढ़ा लिया होगा। सपोज 2000 का चेक था, मैंने डिपॉजिट करा और मैंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया कि मैंने तो डिपॉजिट कर दिया, हमने अपनी कैशबुक में 2000 इंक्रीज कर दिए, बट इट वॉज नॉट कलेक्टेड क्लियर्ड क्रेडिटेड। बैंक ने इसको कलेक्ट नहीं करा, या फिर ऐसा लिखा हुआ है कि क्लियर नहीं हुआ, या फिर ऐसा लिखा हुआ है कि क्रेडिट नहीं हुआ। क्रेडिट का मतलब प्लस होता है ना पासबुक में, ऐसा भी हो सकता है। यानी कि हमने तो डिपॉजिट कर दिया, हमने तो प्लस कर दिया, लेकिन बैंक के एंड से अभी तक ये प्लस नहीं हुआ। यानी मेरे अकॉर्डिंग मेरे बैंक में 12,000 है और बैंक में अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई, चेक में कुछ इशू था, चेक में कुछ चेक खराब था, उस पर डेट कुछ गलत डली हुई थी, कुछ ओवरराइटिंग हुई हुई थी, कुछ भी हो सकता है, वो क्लियर नहीं हुआ। अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो लास्ट में बैंक तो दिखा रहा होगा मेरा बैलेंस 10,000 और मेरे हिसाब से मेरा बैलेंस कितना है 12,000। बैंक के हिसाब से 10, मेरे हिसाब से 12, हमें फिर रिकॉन्साइल करना है इसको, और प्रेफर किसको करना है, पासबुक को। तो 12 से 10 बनाने के लिए क्या करें, 12 से 10 बनाने के लिए माइनस 2000, यहां से 2 माइनस कर दो, 10,000 ये आपस में फिर से रिकॉन्साइल हो जाएगा। तो डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड का मतलब, मैंने डिपॉजिट करा, मैंने बैलेंस भी बढ़ा लिया, बट वहां तो क्लियर ही नहीं हुआ, तो हमें इसको वापस से माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए ये लेस में आ जाता है, इधर लिखेंगे। इसके बाद एनी आउटफ्लो ऑफ कैश, अगर कोई भी आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है, सपोज इसको वापस से अब 10,000 कर देते हैं। आउटफ्लो ऑफ कैश का मतलब कि बैंक ने कोई हमारे से चार्जेस ले लिए या बैंक ने कोई पेमेंट कर दिया। सपोज दो काम हुए, एक तो 1000 का इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया और 1000 के चार्जेस ले लिए, ये बैंक ने माइनस कर दी दोनों अमाउंट हमारे पास से, तो बैंक के अकॉर्डिंगली तो 8000 बच रहा है और मेरे अकॉर्डिंगली कितना बच रहा है, ओनली 10,000। मेरे हिसाब से 10 है क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पेमेंट्स हो गए या बैंक ने मेरे से पैसे ले लिए। तो 10 को 8 बनाने के लिए क्या 2000 वापस से माइनस करेंगे या नहीं करेंगे, वापस से माइनस करेंगे, तो देखो 8 ये मैच कर जाएगा, समझ गए, इसीलिए ये भी माइनस करा जाता है। तो कोई भी पैसा आया तो प्लस कर देना, गया तो माइनस कर देना। इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड प्लस, डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्लियर्ड माइनस। बस फिर क्या करना है, फिर तो हमें इन दोनों साइड्स को मैच करके बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालो और BRS खत्म, पूरे चैप्टर में और कुछ नहीं है, यही है। तो ये था BRS का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम लोगों ने इसके सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा 2 से 3, और इतना करने के बाद फिर आपका BRS में नंबर नहीं कटने वाला। 3 क्लासेस में चैप्टर आएगा और फिर दिस इज इट, दिस इज ओवर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना और सभी के साथ शेयर कर देना। दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, दिस इज अवर 60-day strategy day 1। थैंक यू सो मच।